हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आरओ, एआरओ और यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीके का पोर्शन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल के वीडियो में माइक खराब होने के कारण वॉइस नहीं गई थी, तो कल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विनिवेश आयोग का गठन अगर पूछ लिया जाए तो वो हुआ था 1996 में, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी रामा कृष्णा। तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर या TFR कितनी है? तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर 2.44 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है सरचिप मिजोरम है। कल हमने ये पूरे क्वेश्चन डिस्कस बहुत विस्तार से किए थे, आज हम केवल क्वेश्चन टिक कर रहे हैं क्योंकि कल की जो वीडियो रही थी उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आगे जो भी क्वेश्चन न्यू आएंगे उनमें पूरा विस्तार से व्याख्यान किया जाएगा, ठीक है। अब सरचिप जो है, जो कि मिजोरम का जिला है, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता रखता है, और इसकी परसेंट की अगर बात करें तो 90.98.76% तक यहाँ पे साक्षरता है। और कभी यही क्वेश्चन पलट के पूछ लिया जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। ये कौन से राज्य में है? तो ये MP में है, और यहाँ की साक्षरता दर जो है 37.22% है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आज का नया शुरू होता है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है आर्सेनिक, डी ऑप्शन है विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है ये जैविक पदार्थ होता है, और ये ज्वालामुखी के बाष्पों से समुद्र तथा उनके खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, आप SSC उठा लीजिए, UPSC बना, इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कभी ना कभी। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो कहाँ पर है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता भी होगा कि जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो देहरादून में है, और देहरादून क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, और गैरसैन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब भारत में वन्यजीव अनुसंधान का कार्य वर्ण संस्थान सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु करते हैं, ये भी आपको याद रखना। सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो वो दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और ये पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में हेली नेशनल पार्क था, फिर 1957 में क्या होता है इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड का जो नैनीताल है वहाँ से एक रामनगर है वहाँ पर है, 1318.54 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से तीन तरफ से किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल।
तो इसका ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है, कुछ माइनर माइनर समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन सही बना के आएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है वो कौन सा है, त्रिपुरा राज्य, कौन से देश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तीन तरफ का मतलब होता है दिशाओं, तीनों दिशाओं में घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। और सीमाओं से जो टच करता है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है, जिसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, चमड़ा नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये पटना गंगा नदी के किनारे, वो तो इसको क्या है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है पटना, तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, सबसे अधिक जनघनत्व भी पटना जिले का है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है, इसे घाटों की नगरी कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है। ए ऑप्शन है अमरकंटक, बी ऑप्शन है जावाडी, सी ऑप्शन है कार्डमम, और डी ऑप्शन है अगस्तियार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। बैगई नदी पश्चिमी घाट में दक्षिण की ओर कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों से निकलती है। कंडन मंडक्यूर पश्चिम घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु में 288 किलोमीटर लंबाई है, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तमिलनाडु में स्थित मदुरई मीनाक्षी मंदिर के किनारे स्थित है। ठीक है, हाँ, अब आपको सुमेल करना है, काकीनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है। केंद्र और उद्योग के बारे में पूछा गया है, विरुधुनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, और चन्नापटना किसके लिए प्रसिद्ध है, भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चन्नापटना जो है। वो एक मिनट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको मिला के देख लीजिएगा। काकीनाडा जो है जूट के लिए प्रसिद्ध है, और विरुधुनगर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, चन्नापटना रेशम के लिए प्रसिद्ध है, और भदोही कारपोरेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, फिर से हम आपको मिलान करना है महाद्वीप और मरुस्थल। एशिया का मरुस्थल, एशिया का जो है, एशिया में जो मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल। अफ्रीका में आप सभी को पता है कालाहारी मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में मोजावे मरुस्थल है, और दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। ए ऑप्शन है भूकंप से, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी से, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर से, डी ऑप्शन है जंगल की आग से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत माला
उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्वालामुखी से। रिंग ऑफ फायर जो संबंध है, इसका संबंध है ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1, 2, 3 रिंग ऑफ फायर भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर, तीनों से संबंधित है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, ये तो आपको पता ही है ये नहीं है क्योंकि वो एंजल जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील सही सुमेलित है। इसमें अच्छा हाँ, ये इसमें ये पूछा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है टुगेला प्रपात है, क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, आप सभी को पता होगा। विश्व की सबसे ऊंची झील नावगम्य झील जो है टिटिकाका झील है। विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील जो है टांगानिका झील है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी और डी ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कालपी, उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, कभी पूछ ले जाए कालपी है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह नदी यमुना वैधचाप के आकार में प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, अलाहाबाद, 19 जिलों से बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। 10वीं शताब्दी में कालपी में चंदेलों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली का सल्तनत अंग बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात यह स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। अकबर के समय यह मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। बीरबल का जन्म भी कालपी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु इकाइयां स्थापित हो रही हैं। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है मसूरी, सी ऑप्शन है नरोरा, डी ऑप्शन है नरेंद्र नगर। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, नरोरा में एटॉमिक पावर स्टेशन खुला हुआ है, तो ये जो कि बुलंदशहर के जिले है नरोरा वहाँ पर है। गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दवायुक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट के 2 परमाणु रिएक्टर 1991-92 में कार्यरत हैं। इतनी ही क्षमता के 2 रिएक्टरों का कार्य पूरा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है बांदा में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है चित्रकूट में, डी ऑप्शन है सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया। अगर डेट की बात करी जाए तो 27 सितंबर 2001 को इसे राम भद्दाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एकमात्र विद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसके चांसलर जगतगुरु राम भद्दाचार्य जी हैं जो जीवन पर्यंत रहेंगे। उसके उपकुलपति जो हैं प्रोफेसर वी पांडे हैं। इनका ध्येय वाक्य सेवा धर्म परम गहन है। 2013 के शिक्षण सत्र में इसमें अभियांत्रिकी मतलब कि इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा शास्त्र भी प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो कौन से ऋषि को समर्पित है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्णतः सौरकरण करने की घोषणा की है।
ए ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर, बी ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर, सी ऑप्शन है कामाख्या मंदिर, डी ऑप्शन है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्णतः सौरकरण करने की घोषणा की। यह निर्णय केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 20 मई 2020 को लिया था। सरकार की योजना के अनुसार पूरे कोणार्क शहर में बिजली की जगह सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है तथा मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे नोट्स बन चुके होंगे। जो मैं बोलती हूँ